आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगरा के जीडी गोयनका का पब्लिक स्कूल में क्रिकेट का ककहरा सीख दीपक चाहर आज बुलंदियां छू रहे हैं। दीपक चाहर के बारे में आईपीएल में शायद ही किसी ने इतनी महंगी बोली लगने की बात सोची होगी। दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ में खरीदा। दीपक के छोटे चचेरे भाई राहुल चाहर पर भी धन की बरसात हुई। कहते हैं कि समय कब बदल जाए ये किसी को पता नहीं, लेकिन सभी को मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। ऐसा ही कुछ दीपक चाहर के साथ भी हुआ। पिता और अपने सपनों को साकार करने के लिए सर्दी बरसात धूप में पसीना बहाकर ताजनगरी के लाल दीपक चाहर के सितारे आज बुलंदियों पर पहुंच गए। तेज गेंदबाज के तौर पर दीपक चाहर को आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए की जब बोली लगाई तो एक गेंदबाज के तौर पर इतिहास भी बन गया। चाहर ने अपने पूर्व कूल कैप्टन धोनी को भी पीछे छोड़ दिया। पिता लोकेंद्र चाहर के द्वारा जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से लेकर मकटई के मैदान पर मिले मार्गदर्शन और कड़े अनुशासन ने दीपक चाहर के साथ साथ पूरे परिवार की ही जिंदगी बदल दी। भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए चचेरे भाई राहुल चाहर ने भी भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। राहुल चाहर को भी पंजाब किंग्स ने 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा। अपनी जादुई आउट स्विंग और इन स्विंग और कड़ी मेहनत के बदौलत कई बार भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बन चुके दीपक चाहर कम समय में ही टीम के साथ साथ देश के खेल प्रेमियों के लिए भी चहेते बन गए। पिछली बार जब आईपीएल की नीलामी हुई तो उस समय दीपक पर महज 80 लाख रुपए की बोली ही लग पाई, लेकिन दीपक चाहर के अंदर कुछ और ही कर गुजरने की आग धधक रही थी। दीपक चाहर ने टी20 इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक लगाकर इतिहास बनाते हुए चयनकर्ताओं को उनकी तरफ दोबारा देखने के लिए बेबस कर दिया। हैट्रिक के साथ ही दीपक चाहर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। कलाई की जादू, उंगलियों की पकड़, मजबूत रखने वाले चाहर अब तो बल्लेबाजों की नब्ज भी भांपने में महारत हासिल कर चुके हैं। उनकी हवा में लेंथ के साथ तैरने वाली गेंदें बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा रही हैं। यही वजह है कि उन्हें आज गेंदबाज के तौर पर सबसे ज्यादा महंगा खरीदा गया है। 2008 के आईपीएल के आईपीएल सीजन में दीपक चाहर को राजस्थान रॉयल्स ने महज 10 लाख में खरीदा था। पुणे की टीम ने दीपक चाहर को 20 लाख में खरीदा। 4 साल पहले दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 80 लाख में खरीदा। अब दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने ही 14 करोड़ में खरीदा है। दीपक चाहर अब तक आईपीएल में 63 मैच खेल चुके हैं। 63 मैचों में दीपक चाहर को 59 विकेट भी हासिल हो चुका है। भारत के लिए दीपक अब तक 6 वनडे मैच, 17 टी20 मैच भी खेल चुके हैं। राहुल चाहर को पुणे सुपर जायंट्स की टीम ने 20 लाख में खरीदा था। राहुल चाहर की प्रतिभा को देखते हुए 4 साल पहले मुंबई इंडियन ने 1.9 करोड़ में खरीदा। अब राहुल चाहर पर भी धन की बरसात हुई। राहुल को पंजाब किंग्स ने 5.25 करोड़ में खरीदा है। विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।